दिल्ली पुलिस ने दोपहर के 2:30 बजे मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक 50,000 के इनामी हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जब इसे पकड़ने के लिए पहुंची तो इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। ये आर्म एक्ट के 3 मामलों में वांटेड था। इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कंट्री मेड पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस 8mm और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वजीराबाद के पुराने रामघाट की पार्किंग में पुलिस टीम खुफिया जानकारी के बाद वहां पहुंची थी। तभी मोटरसाइकिल सवार एक लड़के को रोकने के लिए पुलिसकर्मी ने इशारा किया। रुकने की वजह यूटर्न लेकर भागते हुए फिसल गया। जब पुलिस का जवान उसकी तरफ दौड़ा तो उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिसकर्मी पर फायरिंग शुरू कर दी। सौभाग्य से कांस्टेबल खुद को बचाते हुए हमलावर के ऊपर कूद गया और बिना समय गवाए उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पकड़े गए शख्स का नाम आरिफ सैफी है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 साल है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है।